गाइज, तो फाइनली WWE का मंडे नाइट रॉ ओवर हो चुका है। और गाइज, आज यहां पर WWE के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर WWE के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम मैच देखने को मिला, जहां पर आज WWE के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के ऊपर कोडी रोड्स और फिन बैलर सामने होते गए। और गाइज, इन दोनों के इस मैच के अंदर मैच के स्टार्ट होते ही डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग साइड एरिया पर आकर इंटरफेयर करना शुरू कर देते गए, जिसके बाद आज इन दोनों के इस मैच के अंदर हमें यहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो काफी टाइम पर इंटरफेयर करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज, इसके बावजूद भी कोडी रोड्स आज इस मैच के अंदर फिन बैलर को बुरी तरह से बीट डाउन कर देते गए। और गाइज, बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर कोडी रोड्स उनका फिनिशर हिट करने वाले होते गए, तभी सडनली डेमियन प्रिस और रिया रिप्ली इंटरफेयर करते गए, जिसके बाद कि डेमियन प्रिस उनका मनी इन द बैंक फिन बैलर को देने की कोशिश करते गए। बट गाइज, यहां पर फिन बैलर की जगह गलती से मनी इन द बैंक कोडी के पास चला जाता है, जिसके बाद कि कोडी रोड्स उसी मनी इन द बैंक से फिन बैलर और डेमियन प्रिस पर अटैक करके कोडी रोड्स उस मैच को जीत जाते गए। बट गाइज, यहां पर मैच जैसे ही ओवर होता है, जजमेंट डे कोडी रोड्स को बीट डाउन कर देती गए। और गाइज, वैसे तो मैच के ओवर होने के बाद सैमी जेन कोडी को सेव करने की कोशिश करते गए, बट गाइज, जजमेंट डे के आउट नंबर होने के वजह से जजमेंट डे सैमी जेन और कोडी को बीट डाउन कर देती गए। और गाइज, आज यहां पर WWE के रॉ के मेन इवेंट के ऊपर डेमियन प्रिस के एक गलती की वजह से फिन बैलर एक बार फिर से बड़े मैच को हार चुके गए। बट गाइज, अब भी WWE के अंदर जजमेंट डे एक साथ काम कर रही गए।